तमाम देखने सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हैं तो बीटी टिप्स के सब्सक्राइबर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कामयाब मुफीद नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पेचिस का मसला हो जाता है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पेचिस होते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लागर हो जाते हैं और हत्ता कि उनके अंदर पानी की कमी भी पूरी नहीं हो पाती और वो पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा उनका रंग पीला हो जाता है। तो बच्चे जो है बार बार जो उन लोगों को ये मसला हो रहा है, आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे, बच्चों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मेरी वीडियो के अंतर देखना सुनना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको आप ये बेफिक्र होकर मेरा नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। नुस्खे में जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के कामयाब मुफीद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहें। देखिए सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी, बड़ों को भी ये कहना चाहूंगी कि छोटे बच्चे जो है बाहर का, बहुत ज्यादा छोटे बच्चे तो नहीं खा सकते, खैर थोड़े बड़ी उम्र के बच्चे जो बाहर का खाना पीना खाते हैं, पापड़ वगैरह खाते हैं, इससे जो है उनके मैदे का मसला हो जाता है, उनके आंतें कमजोर हो जाती हैं और उनको अंदर जब जरासीम हमारे बच्चों के पेट में चले जाते हैं तो उससे हमारे बच्चों को पेचिस हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपके 2-3 महीने का बच्चा है या उससे ज्यादा बड़ा बच्चा है या 10-12 साल का बच्चा है, उसको आप ये मेरे नुस्खे इस्तेमाल करवा सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो ये नुस्खा भी आप इसी तरह ही बच्चों को दें। तो आपने क्या करना है, आपके घर के अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं, परेशान होने की वाली बात नहीं। केले, केले का सीज़न जो है जब आता है तो आप परेशान होया करें, केले के छिलकों को आप सुखा कर रखें, केले खाएं और ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, इनकी बहुत ज़्यादा जो है इसकी फादियत है और हमारी बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। हम आम जो फल होता है जैसे केला है, सेब है, अंगूर है, इनको हम आम समझ कर खाते हैं मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह तआला ने फादियत रखी है और हमारी ढेर सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। आज ये मासूम बच्चों के लिए जो है मैं नुस्खा बताने वाली हूँ, इसमें आपने 2 केले लेने हैं। 2 केले हैं आपके सामने, ये चित्री वाले बाज़ लोग कहते हैं ये केले अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। 2 केले आपने मीठे ले लेने हैं जो कि कच्चे ना हों। बाज़ जो है दुकानदार होता है ये रेडी वाले होते हैं, बाज़ लोग ले आते हैं तो वो कच्चे होते हैं, तो वो केले जो है आपने कच्चे नहीं लेने, पके हुए सही से मीठे केले आपने 2 ले लेने हैं और इसका छिलका जो है आपने फेंकना नहीं, इसको सुखा कर रखें। आगे जाकर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको बताऊंगी जो कि छिलकों की मदद से आप बेशुमार फायदे हासिल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ लेनी है आपने इमली। इमली जो है आपके घर के अंदर मौजूद है, इमली का आपने रस ले लेना है अच्छे तरीके से। इमली का रस आपने इस तरह लेना है कि थोड़ी सी इमली लें, जिस तरह आप मेरे पास देख रहे हैं ये इमली है, इतनी सी आपने इमली ले लेनी है और इसको पानी में आपने डिप कर देनी है, 1 गिलास पानी के अंदर इसको डाल दें। इसको जब ये अच्छी तरह भीग जाए, फूल जाए, तो इसको आपने मसल लेना है, मसल के आपने इसको छान लेना है। ये आपके पास इमली का पानी आ गया, इसके अंदर आपने नमक मिला देना है। नमक आपका लाहौरी नमक होना बहुत ज़रूरी है, बाज़ लोग जो पिसा हुआ नमक ले लेते हैं वो आपने नमक नहीं लेना। तो मैं अभी आपको लाहौरी नमक भी दिखाती हूँ, ये नमक आपने इस्तेमाल करना है। ये देखें ये लाहौरी नमक है, इसको हम जो है पिंक कलर का, कितना खूबसूरत इसका कलर है। अगर ये थोड़ा गंदा आ जाए तो आप इसको धो के सुखा कर फिर आप इसका पाउडर बनाएं, क्योंकि बच्चों के पेट में जरासीम बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। तो इसी तरह ये नमक को आपने इस्तेमाल करना है, नमक आपने इतना डाल देना है, 1 से 2 चुटकी आप नमक डालें, इसको मिला लें। 2 केले जब आपने मैश कर लिए, इसके अंदर इमली का रस आपने 1 चम्मच डाल देना है और 1 चुटकी आपने नमक मिला देना है। ये बच्चे को आप खिलाएंगे, चम्मच की मदद से खिला दें या वैसे ही अगर बच्चा उंगली की मदद से आप खिला दें तो ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। बच्चों के जितने मर्जी पेचिस हो गए, खत्म होना शुरू, कोई भी दवाई आपको आपको खिलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी और बच्चे अगर कमजोर है तो उनकी कमजोरी भी दूर होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो है आपके लिए मफीद रहेगा नुस्खा, बच्चों के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा है अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो। नमक शर्त यह है कि आपने यही नमक लेना है, दूसरा नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पिसी हुई जो भी हम चीज़ लेते हैं उसमें कुछ पता नहीं होता कि उसमें क्या ऐड कर दिया है, जो हम जो है जरासीम हमारे पेट में चले जाते हैं तो इसी तरह हमारे को मोशन लग जाते हैं बच्चों के, या बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा बच्चों के जो है कैफ वगैरह आने शुरू हो जाती हैं, दिल खराब होता है, बच्चे कुछ भी नहीं खाते। या बड़े हों, बड़ों के साथ भी ऐसा ही है, जब उनके पेट में कोई भी खाने पीने के साथ हमारे जरासीम चले जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। हम कभी भी ऐसे बीमार नहीं होते, हम जरासीमों से बीमार होते हैं। सफाई का ख्याल रखें और बच्चों को जो है साफ सुथरे हाथ जब धुलाएं, साफ सुथरे हाथों से खाना खिलाएं तो बच्चों को कभी बीमारी आ ही नहीं सकती। तो ये तो था एक छोटा सा मुफीद और कारामा नुस्खा, अपने बच्चों को दें इसी तरह बनाकर जिस तरह मैंने बताया। तो ये अपने रोजाना बच्चों को 2-3 टाइम खिलाएं, 2 दफ़ा भी खिला सकते हैं। ये कोई ऐसी गजा नहीं है जो कि बच्चों को नुकसान देगी बल्कि फ़ायदा देने वाली है। तो ये आप नुस्खा बनाकर अपने हाथों से तैयार करके दें, अब आपको कोई भी कहीं भी जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, ज़ात का तारुफ इस दुनिया के जमघटे में नहीं मिलता,
दुनिया वालों में से चंद एक लोगों को छोड़कर अक्सर बजते बर्तन होते हैं। महफिलों से क्या मिलता है? महज ऊंची आवाजें, चिल्लाते लहजे, बेकार बातें, एक दूसरे से बड़े धोखे, अपनी बातें। और कभी जब अपनी ज़ात से मुखातिब होना ज़रूरी हो तो दुनिया वालों से खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, फिर रब और दिल की गुफ्तगू काफ़ी हो जाती है। तो मेरी इस बात पर ज़रूर गौर करना है इंशाल्लाह ताला। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही आपने एक और काम करना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी फिल्म को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।